हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं ऑल सॉल्यूशंस दुबई। मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, आपने कैसे अपना ओवरस्टे का फाइन चेक करना है। अगर इन केस आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपके आपकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई वीज़े की, उसके बाद आपने स्टे किया है, तो उस पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगता है। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, आप एग्जिट करना चाह रहे हैं और अपना फाइन चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मैं ज़रा चेक कर लूँ यार मेरा कितना फाइन है, तो इस वीडियो में सबसे आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि हर कोई आराम से चेक कर सकता है। बहुत इजी इजी मेरे मेथड्स होते हैं, मैं हर चीज़ बहुत आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचे, और ऐसे लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर यूज़ करने की तो वो भी कर सकें। तो मैं मेरे हमेशा मेथड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उनको इतनी नो हाउ नहीं होती, और जिनको नो हाउ होती है उनके लिए भी बहुत आसान होता है। सो मैं आज जो मेथड शेयर कर रहा हूँ वो आपने ज़रूर पूरा देखना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चंस ना हो और आप ईजिली अपने वीज़े पर जो भी ओवर स्टे फाइंस हैं वो आप चेक कर सकें। सो मूविंग ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। जी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। हम ये एक वेबसाइट ओपन करेंगे, ICA की वेबसाइट स्मार्ट सर्विसेज की। हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए ये ऑप्शन है, अदर सर्विसेज पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम लोग स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्विस स्मार्ट सर्विस कि ये पेज जैसे खुला तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा, उसको हमने फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले जी अपने इसमें नेशनैलिटी मांगी हुई है, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, फुल नेम इन इंग्लिश, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। जिस पे ये स्टार बना हुआ है देखिए आपने ये फिल करना है। अब जैसे ये लास्ट एंट्री डेट है, इस पे ये स्टार नज़र नहीं आ रहा तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको फिल करेंगे। आप इधर अपनी नेशनैलिटी एंटर कीजिए, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आपने एंटर कर दी। उसके बाद आप फाइल टाइप कौन से वीज़े पे आप हैं, तो रेजिडेंसी पे अगर हैं तो रेजिडेंसी का कर दिया। इसको इंक्वायरी बाय आइडेंटिटी नंबर करेंगे तो इधर आपको एमिरेट्स आईडी नंबर से आप वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर। इधर जी एमिरेट्स आईडी नंबर आपने एंटर करना है, ये एमिरेट्स आईडी नंबर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आ गया, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद अपना नाम एंटर करेंगे, ये नाम आ गया। नाम जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अरबिक में आपका नाम कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका नाम कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे आप अपनी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है 12, ठीक है जी, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। आप जैसे ही डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, नीचे नीचे ये ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे और इस पर क्लिक हुआ होगा एडिट मोबाइल नंबर, ठीक है जी। एडिट मोबाइल नंबर के बाद वो आपसे पूछेगा जी अभी आपका करंटली जो फाइल में ऐड है मोबाइल नंबर जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, तीनों में से या दोनों में से जो भी उनके रिकॉर्ड में है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका करंट मोबाइल नंबर जो उनकी फ़ाइल में ऐड है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए, और न्यू मोबाइल नंबर जो आप एंटर करवाना चाह रहे हैं वो इधर डालिए, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपको एक दफ़ा रिव्यू करवाएगा आपकी दोबारा से कि आपने इन्फॉर्मेशन सारी सही एंटर की है कि नहीं। उसके बाद वो फीस पे फीस वाले पेज पे ले जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस आप पे करेंगे, 50 dirhams इनका चार्ज होता है वो पे करेंगे, तो उसके बाद ये सर्विस जो है आपको मिल जाएगी, आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तो जी ये बहुत आसान मेथड है, आप इसी मेथड से करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।